हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा इंडिया है, यानी जो हमारा भारत है, तो उसमें मानसून कैसे आता है, बारिश कैसे होती है। और मानसून का मीन्स यही नहीं होता है कि केवल बारिश ही हो, मानसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। यानी भारत में जो मानसून होता है वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे कि विंड्स जो होता है, मानसून नहीं चेंज होता है। मानसून क्योंकि 30 वर्षों तक या उससे अधिक बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये कहीं पर रहता है। तो जैसे कि भारत में जो विंड्स होती हैं तो ये रिवर्सल होती हैं, जैसे कि अलग अलग सीजन में अलग अलग विंड्स होती हैं। तो कभी नॉर्थ के साइड से चलती है तो कभी साउथ के साइड से चलती है, तो ऐसा होता है। तो मानसून को हम बस ऐसे समझ सकते हैं, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी सीजन के अकॉर्डिंग ये जो हवाएं होती हैं वो रिवर्स होती हैं। अब जैसे कि भारत में बारिश होती है तो उसको कैसे होती हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उन जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे इंडिया पर और जिसके कारण बारिश होती है, तो इन सबको हम आज देखेंगे। जैसे कि जो इंडिया है तो हम समर की बात कर रहे हैं, समर के टाइम में कैसे बारिश होता है। जैसे कि समर के टाइम पर यहाँ सन जो रेज है वो एकदम सीधी पड़ती है। सन रेज सीधी पड़ने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जब यहाँ का सन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो की रेज जो है वो ऊपर उठने लगती हैं। जब यहाँ की जो रेज है, हवा है, विंड्स है, विंड्स बोला जाएगा, जब यहाँ की विंड्स ऊपर उठने लगेंगी तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि जो लैंड मास होता है ये जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म भी होता है। अगर जल्दी गर्म होगा तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। बट जो ओशन एरिया है, यानी जो वाटर का है, तो उसकी क्वालिटी ये होती है कि ये बहुत देर से गर्म होता है, बहुत देर से ठंडी होती है। तो जब सनरेज यहाँ सीधी पड़ेगी तो यहाँ का जो टेम्परेचर हो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ की विंड ऊपर उठने लगेंगी। अब यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ जो है यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, जिसके कारण यहाँ से हाई प्रेशर रहेगा। अब जो फर्स्ट इसका था कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, तो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग का मीन्स यही है कि यहाँ अब बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण लो प्रेशर बन गया है और यहाँ पर फिर इसकी अपेक्षा यहाँ हाई प्रेशर है। अब क्योंकि हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ जाने लगेगा, जिसके कारण जैसे कि अब यहाँ वाला जो विंड्स है वो केवल विंड्स ही नहीं जाएगा, अपने साथ ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता लेकर जाएगा, जल वाष्प लेकर जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर बारिश होती है। और एक तरीके से हम ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ऐसा होता है। तो हमारे भारत में इस मानसून से बारिश होती है, यानी कि इस वाले विंड से बारिश होती है। तो इसका अगर हम याद करने का ट्रिक भी है कि इसकी जैसे कोई अब वायु या विंड चल रही है तो वहाँ जिस साइड से चल रही है, जहाँ से उठ रही है, उसी का टेल लो और उसी से पता कर लो कि कौन सी विंड चल रही है। जैसे कि यहाँ पर वेस्ट एंड साउथ विंड चल रही है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर भी बारिश होती है। फिर सेकंड है ITCZ। ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इसका काम यही रहता है कि जो ये जेट स्ट्रीम यहाँ से चलती हैं, तो ये यहाँ क्योंकि हिमालय है, ये हिमालय के इस विंटर के समय में तो ये साउथ की तरफ चलती है, हिमालय के साउथ चलती है, लेकिन जब समर आता है तो ये समर के टाइम पर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ में चला जाता है। नॉर्थ क्यों जाता है, यही ITCZ के कारण, ITCZ इसको शिफ्ट कर देता है। अब हम इसको समझते हैं कैसे ये इधर के बजाय, साउथ के बजाय नॉर्थ जाता है जेट स्ट्रीम। तो जैसे कि यहाँ पर यूरोपीय देश है, तो यहाँ पर और एक यहाँ पर ओशन पाया जाता है, ओशन का नाम है मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी क्योंकि यहाँ पानी है तो यहाँ भी हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर, तो यहाँ पर पानी होने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, क्योंकि ये लैंड स्पेस है, लैंड है, तो लैंड मासेज है। अब यहाँ से अगर जेट स्ट्रीम, यहाँ का जो यहाँ से स्ट्रीम चलती है उसको नाम दिया गया है जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम्स जब यहाँ से चलती है तो फिर उसके बाद यहाँ लो प्रेशर है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ की जो हवा उठती हैं ऐसे वर्टिकली ऊपर की ओर उठती हैं। अब यहाँ जेट स्ट्रीम आ रही है, तो जेट स्ट्रीम तो ऐसे ऐसे राउंड लगाती रहती हैं, लेकिन जब यहाँ की हवा उठती हैं और यहाँ भी साथ में
ये दोनों साथ में जब चलती हैं तो ये ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठ जाने के कारण ये साउथ पे ना जा करके अब नॉर्थ की साइड चली जाती हैं। तभी कहा जाता है कि जो जेट स्ट्रीम्स है ये उसके कारण समर में नॉर्थ की साइड जाती हैं और विंटर में ये साउथ की साइड रहती हैं। अगर ये जो हैं जो जेट्स स्ट्रीम है ये अगर साउथ में ही रहे यानी नॉर्थ ना जाए तो यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, जिसके कारण हाई प्रेशर फिर कोई बैलेंस बनेगा नहीं और बारिश होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अब जेट स्ट्रीम जब इधर चली जाती हैं तो यहाँ वैक्यूम बन जाता है, वैक्यूम को भरने के लिए यहाँ से हाई प्रेशर जो है वो जल्दी से आ जाता है, जिसके कारण बारिश होती है। तो यहाँ लो प्रेशर दो तीन कारण जो फैक्टर्स हैं उनके कारण लो प्रेशर बनने के कारण यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर बन जाता है और यहाँ पर हाई प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि एक मेडागास्कर का फैक्टर भी है कि मेडागास्कर का भी इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर बारिश होने में। जैसे कि मेडागास्कर है तो अगर यहाँ सनरेज सीधी पड़ रही है तो यहाँ सनरेज बहुत कम मात्रा में पड़ेगी, जिसके कारण यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहेगा, वायु ठंडी रहेगी। और यहाँ पर इसके नीचे जो अंटार्कटिका कंटिनेंट होता है उसके कारण यहाँ पर ठंडा ठंडा इन्वायरमेंट यहाँ होता है, तो जिसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि गर्म वायु जब हो जाती हैं तो वो ऊपर जाती हैं तो लो प्रेशर बनता है, जबकि इसकी अपोजिट यहाँ है ठंडा पहले से ही है तो यहाँ पर हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर यहाँ का भी और फिर उसके बाद मेडागास्कर पर सनरेज तिरछी पड़ रही है, मतलब यहाँ जो रेज है बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है। अब यहाँ वैक्यूम लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलकर यहाँ पहुँच जाती है, यानी जो विंड्स है बहुत फास्ट चलती है और यहाँ पर कवरिंग करने लगती है। जब यहाँ कवर करने के लिए जाती है तो अपना खुद वो नहीं जाती, मतलब जैसे कि यहाँ की जो है तो वो खुद मतलब अकेले ही नहीं जाती है बल्कि अपने साथ ह्यूमिडिटी आर्द्रता लेकर जाती है, जिसके कारण यहाँ बारिश होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है तिब्बत प्लेट के कारण कैसे यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ये इंडिया है तो इंडिया के इधर जो है इधर तो नॉर्मल सरफेस रहता है, फिर यहाँ पर हमारा हिमालय है, फिर उसके बाद इसी के लगभग साइज़ का लगभग कितना किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर तिब्बत का पठार मतलब लगभग 9 किलोमीटर के ऊंचाई के है। अब ये जो तिब्बत का पठार है, पठार यानी प्लेटू, अब ये वोल्केनिक है, वोल्केनिक होने के कारण ये जो सनरेज है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेता है और जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा वहाँ जो एयर रहेगी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और वो ऊपर जाने लगेगी, ऊपर जाने से लो प्रेशर वहाँ क्रिएट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाने के कारण जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाएगा तो ये लो प्रेशर यहाँ और ज़्यादा क्रिएट हो गया, अब हाई प्रेशर को उतना ज़्यादा मतलब बल मिलेगा, जिसके कारण जो हाई प्रेशर वाली यहाँ वाली विंड है वो इधर पर आ जाएगी। अब तिब्बत का पठार और फिर उसके बाद मेडागास्कर, फिर उसके बाद यहाँ जेट स्ट्रीम जो यहाँ से निकली हैं मेडिटेरेनियन सी से, इन सब के कारण यहाँ पर इंटेंस जो लो प्रेशर है वो क्रिएट हो जाता है। अब इंटेंस लो प्रेशर जब क्रिएट हो जाता है और यहाँ वैक्यूम बन जाता है तो इसको भरने के लिए यानी कि क्योंकि जो एयर होता है यानी कि जो विंड्स होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, अब यहाँ इंटेंस लो प्रेशर हो गया, यहाँ इंटेंस हाई प्रेशर हो गया, तो इन सबको इसको भरने के लिए यहाँ का जो विंड्स है वो ह्यूमिडिटी को लेकर यहाँ पर आएगा और बारिश करवाएगा। तो अगर कोई पूछे कि भारत बारिश कैसी होती है तो इसकी बहुत बड़ी बहुत लंबी कहानी है, तो यही कहानी है कि भारत में बारिश कैसी होती मतलब किन फैक्टर्स से होती है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि हीटिंग एंड कूलिंग वाला और फिर तिब्बत के प्लेट वाला कि यहाँ पर से जो यहाँ का प्लेटू है वो सनरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके कारण यहाँ लो प्रेशर बनता है, और जो हीटिंग एंड कूलिंग की बात करें तो क्योंकि लैंड मास जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है जिसके कारण यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ये दो हो गया। फिर उसके बाद यहाँ की जो जेट स्ट्रीम चलती है और उसके कारण भी यहाँ पर लो प्रेशर होता है, क्योंकि जब जेट स्ट्रीम आएगी तो ये और यहाँ लो प्रेशर पहले से ही है तो ये और ऊपर उठने लगेगा और जेट स्ट्रीम को ही जेट स्ट्रीम के साथ मिलकर इसको उस साइड शिफ्ट कर देगा, और शिफ्ट करने में ITCZ का काम मतलब ये भी काम में आता है।
तो गाइज मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।